संसद का रुख करेंगे। लोकसभा में बजट पर चर्चा चल रही है और सांसद अखिलेश यादव इस बजट चर्चा के दौरान अपनी बात सामने रख रहे हैं। वो ये कहता है कि मीडियन सड़क का 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर होना चाहिए। आप जाकर के देख के आइए जो पूर्वांचल वाला बना है उसका मीडियन कितना है। क्या भविष्य में आपने चलने वालों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है कि नहीं की है, ये आपको विचार करना पड़ेगा। जिस समय लद्दाख और चीन को लेकर के सवाल उठा था सभापति महोदय, उस समय पॉलिटिकल पार्टी से सुझाव मांगे गए थे और सुझाव ये मांगे गए थे कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो उस समय जो सुझाव समाजवादी पार्टी ने दिया था वो सुझाव ये था कि लिपू लेक से लेकर के आपके ग्वालियर तक 6 लेन हाईवे बनना चाहिए। कभी जरूरत पड़ने पर सीमाओं पर हमारी फौज का आना जाना जल्दी हो जाए। और मुझे याद है जो अखबारों में मैंने पढ़ा था सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया था कि 6 लेन हाईवे बनेगा वो, लेकिन जब टेंडर की बात आई तो सुनने में आया कि वो 4 लेन बनने जा रहा है। और अभी जब वो काम हो रहा है, जब काम मैंने दोबारा उसको देखा तो पता लगा कि डबल लेन पेव शोल्डर बन रहा है। सोचिए कहां 6 लेन बनाने की बात थी, आप डबल लेन पेव शोल्डर बना रहे हैं। और पता नहीं कौन उस हाईवे को डिजाइन करवा, किसने किया है डिजाइन कि जितने भी कस्बे उसके आसपास पड़ रहे हैं कस्बे वाले अब नाला कहां से बनाए, घर ऊंचा करें कि सड़क को तोड़े। बहुत सारे कस्बों को वो समस्या के संकट में डाल दिया है सरकार ने। जो सरकार मंचों से ये कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज तो 11 साल हो गए सरकार, किसान की आय दोगुनी हो गई क्या सरकार बताए। और अभी मैं बहुत सारे माननीय सदस्यों को जब सुनता हूं तो वो कहते हैं कि हम MSP दे रहे हैं। अगर आप MSP दे रहे हैं तो उसकी कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आप कानूनी गारंटी दीजिए। और फिर कई बार सुनने को मिलता है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके MSP की कब तैयारी करेंगे आप? और फिर आय दोगुनी में आप कितना देंगे किसान को? जो पिछले बार बजट में कहा गया था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ देश को मिलेगा, अगर 1 लाख करोड़ देश को मिला होगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को तो कम से कम यूपी का शेयर कुछ तो रहा होगा। सभापति महोदय, सरकार ने अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बता दें। हां यह अलग बात है कि अगर आप कोई चीज सुधारने के लिए कोई परिवर्तन कर रहे हैं, स्टोरेज के लिए किसी को पहले ही बता दे रहे हैं, वे बात अलग है, लेकिन किसान कहां जाएगा जहां उसको रेट मिलेगी। और फिर ये इस बजट में कहा जा रहा है कि हम 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज लाएंगे।